नहीं है। कृपया मोटर बंद कीजिए। रन। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोचा थोड़ी देर छत पे टहल लेते हैं। आपको सड़क से आवाज़ आ रही होगी। तो हमारे एरिया में क्या है कि लॉकडाउन है, लेकिन 12 बजे से पहले आप घर से निकल सकते हो। 12 बजे से पहले आप घर के बेसिक जो आपको सामान लाना है या कुछ काम है आप कर सकते हो। 12 बजे के बाद थोड़ी सख्ताई बढ़ जाती है। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सभी अपना ध्यान रखो। तो जनाब, मैं नीचे आया और मम्मी ने मुझे बताया कि घर का कुछ ज़रूरी सामान लाना है पंसारी की दुकान से। तो मैं और मेरे बड़े भैया निकल पड़े सामान लेने के लिए। बाहर से आओ तो ये चीज बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में बहुत ही ऐसी कम चीज है जो मुझे जेन्युइन खुशी देती है, और क्रिकेट उनमें से एक है। भले क्रिकेट देखना हो या खेलना। और आईपीएल बंद होने की खबर सुनते ही मुझे इतना गहरा सदमा लगा है कि पूछिए मत। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। और ये पिछले 2.5 हफ्ते मैंने आईपीएल के बिना कैसे गुजारे हैं ये मुझे ही पता। सब कहते थे कॉलेज लाइफ लाइफ का बेस्ट टाइम है, लॉकडाउन में वो निकल गया। एक साल कॉलेज की ऑफलाइन क्लासेस में क्या सीखा था दिमाग से वो निकल गया। लॉकडाउन में घर पड़े पड़े पेट निकल गया, और आईपीएल बंद हो जाने से जीवन से मनोरंजन निकल गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर चलो, मैं क्रिकेट देख नहीं सकता पर खेल तो सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये डिसाइड हो गया कि घर में ही खेलना है, मैंने मेरे छोटे भाई से कहा कि चल दोनों भाई क्रिकेट खेलते हैं। फिर हमने अपना पुराना क्रिकेट बैट ढूंढना शुरू कर दिया। 15 मिनट तक इधर उधर देखने के बाद हमें याद आया कि घर के गूगल अर्थात हमारी माताजी से पूछ लेते हैं कि बैट कहाँ रखा है। मम्मी ने बताया कि बैट ऊपर स्टोर रूम में रखा है। तो हम दोनों भाई ऊपर स्टोर रूम में गए। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद हमें बैट मिल गया। बैट पर धूल जमी थी तो हमने उसको कपड़े से साफ किया। फिर हमने विकेट बनाए और खेलना शुरू कर दिया। मजा आएगा।
हमारे पास है बॉल। बड़ा ही दुखद न्यूज है हमारे पास, हमारी बॉल दूसरी तरफ चली गई है। Later. तो आज बहुत दिनों बाद छोटे स्तर पर ही सही पर क्रिकेट खेल के मजा आ गया। आज ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस वीडियो में मेरा खून पसीना लगा है। क्या बिलीव नहीं हो रहा? अरे सच्ची यार, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो। ओके ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस हल्का सा मेरा हाथ अकड़ गया, पर कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोटें तो जिंदगी का उसूल है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में।